इधर कोरोना की दस्तक को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम सब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। विश्व के दूसरे देशों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2% रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। और इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनहित में सोच विचार कर हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं तो क्या इस स्थिति में चलाने की जरूरत है क्या, सदैव कहता था और मैं सदैव मास्क पहनता था। अकेले आप लोग भी हमारे मजाक उड़ाते थे कि अभी तक सिंधिया जी मास्क पहन रहे हैं, पर सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। अभी चीन में बहुत बुरा हाल है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जनहित में सोच कर विचार कर हम लोगों को कदम लेना चाहिए। मेरी ये सोच और विचारधारा है कि कोई भी कदम हम ऐसा ना उठाएं जिससे ये संक्रमण और देश में हम फैल पाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए सावधानी बरतने के लिए। और सरकार, जैसे मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, सरकार पूरी तैयारी ले रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पूर्ण रूप से राज्य मंत्रियों के साथ भी स्वास्थ्य मंत्री जी की चर्चा हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है और इसी सिलसिले में भाजपा कार्यालय पटना में पटना साहिब सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। इस मौके पर श्री प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं सके और चले हैं देश को जोड़ने की बात करने। ज्ञातव्य हो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा है कि मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि देश को टुकड़े टुकड़े की सोच रखने वाले टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य के साथ ये कौन सी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे राहुल गांधी, हम जानना। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली, ग्वालियर, पटना, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रामक हैं, लेकिन जब वार है तो पलटवार भी होगा। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश प्रदेश में सियासत गर्म है। जहां कोरोना को देखते हुए बीजेपी नेताओं ने इसे रोकने की मांग की है, वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर घबरा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य पासवान ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद पर करार हमला बोलते हुए कहा है कि जब पीएम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां कोरोना खत्म हो जाता है, ये सरकार के कथनी और करनी में क्यों तालमेल नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये दिखा दिया है कि हम सब एक हैं। आज हम भारत जिस मोड़ पे है, बड़ा दुख लगता है ये बार बार कहने पे कि जिसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल जी निकले हैं और सब हम सभी लोग निकले हैं कि जो वैमनस्य आपस में पैदा कर दिया गया है, धार्मिक उन्माद फैला के आपस में जो दुश्मनी पैदा कर दी गई है लोगों के बीच में, भाइयों के बीच में, उसको फिर से जोड़ने के लिए हम निकले हैं और लोगों का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। जहां से भी भारत जोड़ो यात्रा निकली है, करीबन देखिए 2800 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली है अभी और अभी दिल्ली में है और अपार जन समर्थन मिला है। और ये जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और ये अनाप शनाप बयान दे रही है और अब कोरोना का बहाना ये ले आए हैं। और कोरोना अगर सही में भारत सरकार को लगता है कि कोरोना फैलेगा फिर से, चीन का भी ये हवाला दे रहे हैं कि चीन में ऐसा बहुत फिर से एक लहर आई है, तो सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चाइना से जितनी भी उड़ानें हैं उसको प्रतिबंधित करनी चाहिए। और सिर्फ चाइना से ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये आज हर लोग के पास मोबाइल है, वो ट्रैवल वेबसाइट पे जाकर देखें कि चीन से कितनी फ्लाइट्स इंडिया में आ रही है, प्लस चीन से साउथ ईस्ट एशिया में कितनी फ्लाइट्स आ रही है जो फिर राउट होकर के इंडिया में आ रही है।
तो वो उन सभी फ्लाइटों को प्रतिबंधित जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका इसकी रोकथाम मुश्किल है। अगर सही में ये चीज है, भारत सरकार गंभीर अगर है कि देश में फिर से वो कोरोना वाला लहर फिर से नहीं आए, तो पहला चीज करना चाहिए कि इन सभी फ्लाइटों को प्रतिबंधित करें, उसके बाद फिर हमसे बात करने आए, हम तैयार हैं। अगर भारत सरकार इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है कि लोग सुरक्षित रहें, देश के लोग सुरक्षित रहें, तो आइए बात करें। हम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत फिर घूमेंगे, भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, लेकिन हम भारत को जोड़ेंगे, उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं।